हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आप लोगों में से जो भी यूज़ करते हैं रियलमी 11X, रियलमी नार्जो 60X 5G, रियलमी C67 5G, तो इनके अंदर जो न्यू अपडेट आया था रियलमी UI 5.0 का बीटा अपडेट, तो इसके अंदर जो है पहले आपको ट्रायल वर्जन चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन अभी जो है इसके अंदर कुछ दिनों पहले एक बीटा अपडेट आया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो बीटा वर्जन्स लिखा हुआ है। और बीटा वर्जन के पहले जो वर्ज़न चल रहा था वो ट्रायल था, तो यानी कि यहाँ पर जो है आपको ट्रायल लिखा हुआ देखने को मिला होगा। तो अब ये बीटा वर्जन है, मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो इसका मैंने जो है फीचर क्या क्या चेंजेस वगैरह है सभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको फुल रिव्यू के बारे में बात करेंगे, तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो है वर्ज़न दिखा देता हूँ। वर्ज़न की बात करें तो ये जो है डिवाइस का मॉडल है 14.0.0.80, तो ये आपका वर्ज़न मिलता है। और अबाउट फोन में इसके अगर आप लोग चेंज लॉक के अंदर जाते हो तो इसके अंदर जो है कुछ इंप्रूव फोटो एंड वीडियो रिलेटेड परमिशन मैनेजमेंट सेफर एक्सेस बाय एप्स, कुछ ऐसे जो है चीज़ों को यहाँ पर फिक्स किया गया है। और यहाँ पर एड्स एक्वामॉर्फिक थीम ट्रीन टोन्स एंड रैम्पेस द सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड्स, तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर कुछ जो रिंग टोन्स हैं उनको ऐड किया गया है, नोटिफिकेशन साउंड्स को ऐड किया गया है। इम्प्रूव सिस्टम एनिमेशंस बाय मेकिंग दम एवर स्मूथर, तो ये भी जो है इसके अंदर जो है थोड़ा सा बहुत फिक्स किया गया है, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बैटरी बैकअप कैसा है। तो मैं जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मैं आपको इसको जो यूसेज टाइम भी दिखा देता हूँ कि मैं कितना डिवाइस को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लगभग जो है अपडेट को आए हुए ऑलमोस्ट जो है 10 से 11 दिन हो चुका है, तो मैं काफ़ी दिनों से इस अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ, तो कम्प्लीटली मैं आपको इसको रिव्यू आपको बता पाऊँगा। तो देख लो, आज मैंने डिवाइस को 6 घंटे 9 मिनट यूज़ किया है, कल 7 घंटे, परसों भी 6 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो है 5 घंटे से ऊपर अपने डिवाइस को यूज़ किया है। कम्प्लीटली जो है 5 घंटे से ऊपर मैंने अपने डिवाइस को हर दिन लगभग हफ्ते या फिर 15 दिन तक यूज़ किया है। मैं पहले भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा प्राइमरी डिवाइस है, तो मैं इसी डिवाइस को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी बैकअप के अंदर मुझे थोड़ा सा जो है इसके अंदर डिक्रेसमेंट देखने को मिला है। बैटरी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ड्रेन हो रहा है पिछले वाले अपडेट से, और मैंने इसके अंदर जो है नॉर्मल जो स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड उसको अनेबल करके रखा हुआ है, कोई भी डार्क मोड वगैरह मैं इसके अंदर यूज़ नहीं करता हूँ, तो ऐसा कुछ चलता है। बाकी 5G नेटवर्क वगैरह अनेबल्ड है। अब मैं यूट्यूब को यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम को यूज़ करता हूँ, और कुछ ऐसे फेसबुक वगैरह को थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ, बाकी और कुछ भी यूसेज मेरा नहीं है। गेमिंग वगैरह मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं इस डिवाइस के अंदर, क्योंकि गेमिंग इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि घटिया परफॉर्मेंस इस डिवाइस का। और बात करेगा इस यहाँ पर एवर स्मूथर वगैरह की, तो देखो यहाँ पर जो है स्मूथिंग वगैरह में कुछ भी सही नहीं हुआ है। पिछले बार जो ट्रायल वर्जन है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसका जो सिस्टम UI स्मूथ फील होगा, लेकिन इस वाला अपडेट के बाद जो है डिवाइस बिल्कुल भी जो है स्मूथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइस लैगी हो चुका है इस अपडेट के बाद। तो अपडेट के बाद आप लोग इस अपडेट में बीटा वर्जन में जो एक्सेप्ट मत करना, जो है कोई भी एक्सपेक्ट मत करना कि इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा डिवाइस जो है लैगी हो चुका है। बाकी यहाँ पर गाइस बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मुझे जो है बिल्कुल भी इस डिवाइस का जो है सबसे घटिया जो मुझे डिवाइस को जो लगा है वो है इसका रैम मैनेजमेंट। इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा घटिया है। मैं आपको यहाँ पर जो है इसको आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इस गेम को ओपन किया, और मैं जैसे इस गेम को ओपन करूँगा, मैंने जो है कोई भी बैकग्राउंड में नहीं चलाया है कोई भी एप्लीकेशन, मैं इसको बैक करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर दोबारा इस एप्लीकेशन खोलूँगा तो यहाँ पर ये जो है दोबारा से रीस्टार्ट होगा। यानी कि इस डिवाइस के अंदर सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम मुझे यही देखने को मिलता है कि इस डिवाइस के अंदर आपको रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा घटिया मिलता है। और मैंने जो है देख सकते हो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, मैंने 4GB का जो एक्स्ट्रा जो रैम एडिशनल रैम है उसको ऑन करके रखा हुआ है, फिर भी जो है कोई भी काम नहीं आता है। रैम मैनेजमेंट डिवाइस का बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रैम मैनेजमेंट को लेकर आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस डिवाइस से डिसअपॉइंट होंगे, तीनों के तीनों डिवाइसेस से। तो करंटली ये मेरा डिवाइस है रियलमी नार्जो 60X, तो अगर आपके पास सेम टू सेम डिवाइस रियलमी 11X है, रियलमी का C67 5G, तो तीनों के तीनों सेम डिवाइसेस है, बस नाम अलग अलग है।
तो रैम मैनेजमेंट के अंदर जिसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, ऑलरेडी मैंने ट्रायल वर्जन के अंदर एक फीडबैक दिया था इसको लेकर, लेकिन वहाँ से अभी जो बीटा अपडेट आया तो इसके अंदर कुछ फिक्स नहीं किया गया। हो सकता है स्टेबल अपडेट में फ़िक्स हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर प्रॉपरली ये फिक्स होगा। रैम मैनेजमेंट वाला इशू डिवाइस का ही मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रोसेसर का ही कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ज़्यादा प्रोसेस जो है पावरफुल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो दोस्तों आपके डिवाइस के अंदर कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आपको जो है कमेंट कर देना है, और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।